हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई एम योर फ्रेंड अरुण, एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो के बाकी के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप ये वीडियो स्किप करें और वो दो पार्ट्स देख लें, क्योंकि बाकी के दो पार्ट्स में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने वहाँ आपके लिए सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस देखे हुए हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग मेनली दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ई रेस टू पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, तो इसी से शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग m की वैल्यू और n की वैल्यू नोट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास m की वैल्यू गिवन है e रेज टू पावर y प्लस वन इन दी ब्रैकेट cos x, एंड n की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है e रेज टू पावर y sin x। ओके, अभी हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है, हमें एग्जैक्टनेस चेक करनी होती है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो उसके लिए जो पहला स्टेप होगा हमारा, हम लोग चेक करेंगे कि क्या डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल है डेल एन ओवर डेल एक्स के। तो अभी हम पहले डेल एम ओवर डेल वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल हो जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर वाई प्लस वन डी ओवर डी वाई कॉस एक्स, ठीक है। एक्स के सारे टर्म्स को हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करने वाले हैं। तो अभी जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर वाई प्लस ज़ीरो, एंड कॉस एक्स को हमने एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया है, तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। फाइनली हमारे पास आंसर रहेगा ई रेज टू पावर वाई डॉट कॉस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारे पास में डेल एम ओवर डेल वाई की। अब हम बात कर लेते हैं डेल एन ओवर डेल एक्स की। तो डेल एन ओवर डेल एक्स के लिए हम लोग e की पावर y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, एंड साइन x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, e रेज टू पावर y डॉट cos x। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो डेल एन ओवर डेल x आया एंड जो डेल m ओवर डेल y आया, दोनों का वैल्यू बराबर है। इसका मतलब जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। फर्स्ट कंडीशन आपकी जब सेटिस्फाई हो जाती है तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम m के सभी टर्म्स को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बट हमें याद रखना होगा कि y को हम लोग एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू हमारे पास गिवन है e रेज टू पावर y प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स, ओके, एंड जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी e रेज टू पावर y कॉस एक्स, थोड़ा सा हमने और एक्सपेंड कर लिया है, प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एंड ये हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर y एंड साइन एक्स प्लस यहाँ कॉस एक्स का हम करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, ओके। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई एक, और अभी हम क्या करने वाले हैं, साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फाइनली रह जाएगा e की पावर y प्लस वन एंड साइन एक्स, एंड n के लिए हम उन टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं जिनके अंदर x नहीं होता है, तो हम n को यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसके अंदर x ना हो। तो अभी हमें फाइनली सोल्यूशन लेना है अपना। तो हमारे पास क्या होता है, जो m को इंटीग्रेट करके हमें रिजल्ट मिला है, दैट इज़ ये रिजल्ट, एंड n को इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट मिला है, दोनों रिजल्ट्स को हम प्लस कर देते हैं। दैट मीन्स कि n को तो हमने इंटीग्रेट किया ही नहीं है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, ओके। m को हमने इंटीग्रेट किया है तो उसका रिजल्ट हमारे पास है, और इनको प्लस करके हम लोग रख देते हैं कॉन्स्टेंट के सामने, ओके। तो यही है हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं।
ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस एक्स लॉग ई ई टू वाई माइनस एट प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स साइन एक्स अपॉन वाई माइनस फोर डी वाई. अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू हम लोग को नोट कर लेनी है. m की वैल्यू हमारे पास है कॉस x log e 2y माइनस एट प्लस वन अपॉन एक्स एंड n की वैल्यू हमारे पास है साइन x अपॉन y माइनस फोर. अब हम लोग को पहले एग्जैक्टनेस हमेशा की तरह याद रखना है कि हम पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे और उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा कंडीशन डेल एम ओवर डेल वाई बराबर होना चाहिए डेल एन ओवर डेल एक्स के. तो सबसे पहले डेल एम ओवर डेल वाई हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या होगा हमारे पास. तो जब हम डेल एम ओवर डेल वाई फाइंड आउट कर रहे होंगे तो एक्स के सभी टर्म्स को हम लोग एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे होंगे ये बात हमें समझ लेनी है. पीछे की प्रॉब्लम में भी मैंने आपको बताया ठीक है इट्स नॉट एट इट्स एक्स. ओके तो अभी कॉस एक्स को हम लोग एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा. लॉग का हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन टू वाई माइनस एट एंड जब हम टू वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रह जाएगा आपके पास टू एंड एक्स का टर्म आपके पास जीरो होगा. यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि कॉस एक्स डॉट टू और आपके पास डिनोमिनेटर में टू आप कॉमन ले सकते हो तो ये आपके पास रह जाएगा वाई माइनस फोर और ये न्यूमरेटर के टू से डिनोमिनेटर का टू आप कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स अपॉन वाई माइनस फोर. ये आपकी वैल्यू आपको मिल गई किसकी डेल एम ओवर डेल वाई की. अब बात करते हैं डेल एन ओवर डेल एक्स. तो यहाँ पे हम वाई के टर्म्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करने वाले हैं तो केवल साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स. अब अगर ध्यान से देखें तो डेल एम ओवर डेल वाई एंड डेल एन ओवर डेल एक्स दोनों का वैल्यू बराबर है. दैट मीन्स कि हमारी जो कंडीशन है डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स सेटिस्फाई हो जा रही है. दैट मीन्स कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो अभी इसका सोल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं एम के टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे. पर इंटीग्रेट करते वक्त याद रखना है कि एक्स के सभी टर्म्स सॉरी वाई के सभी टर्म्स को हम एज अ कॉन्स्टेंट डील करेंगे ठीक है. तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास साइन एक्स लॉग ई एज अ बेस टू वाई माइनस एट एंड वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है आपके पास लॉग एक्स. ओके और अभी हम बात करेंगे इंटीग्रल ऑफ एन. तो इंटीग्रल ऑफ एन हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं. अब हमें एक बात याद रखनी होगी कि जो भी आपके टर्म्स होंगे एन के अंदर उनके लिए आप केवल वही टर्म्स सेलेक्ट करोगे जिनमें आपके पास एक्स नहीं होगा. तो यहाँ हमारे पास जो एन दिया हुआ है हमें इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो तो एन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. ओके तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा फाइनल आंसर हमारे पास होगा देखिए m से जो हमें मिला इंटीग्रेट करके वो लिखेंगे हम सबसे पहले साइन x log e 2y माइनस एट प्लस log x एंड n से जो इंटीग्रेट करके मिलता है वो लिखते हैं. लेकिन क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया नहीं है n को तो वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा एंड इन दोनों को सम करके हम लोग लिख देते हैं कॉन्स्टेंट के इक्वल. यही होता है हमारा फाइनल आंसर. ओके तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की दो प्रॉब्लम्स. आशा करता हूँ कि दोनों प्रॉब्लम्स आपको एकदम क्लियर होंगे. अगर दोनों के सोल्यूशन में आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपकी कमेंट का जवाब दूँ और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरा प्रयास करूँगा मैं. साथ ही दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए इसी तरह की काम की वीडियो लाता रहता हूँ। ओके, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।